यहाँ के प्रखंड के तमाम वासियों से जो भी अभ्यर्थी है उससे अपील करना चाहेंगे कि ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपना पूरा डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से मिलान कर लें, ताकि और उनको वो हार्ड कॉपी वो जिस जमा करेंगे वो हार्ड कॉपी याद है तो कोरोना गाइडलाइंस का भी अच्छा कार पालन हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी बिहार न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद के काको प्रखंड में। आज से यहाँ पर पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है। लोग दावेदार जो भी हैं आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच में यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलती हूँ और मिल करके जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है चुनाव को लेकर, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं अभी कोरोना महामारी जैसी बीमारी खत्म नहीं हुई है, अभी चल रही है। सरकार की तरफ से भी काफ़ी गाइडलाइंस जारी हैं। इस गाइडलाइंस के बीच में इन्होंने क्या क्या व्यवस्था करा है, आइए इनसे जानते हैं। जी ये बताइएगा कि यहाँ पर आज से नॉमिनेशन शुरू हो रही है तो क्या क्या व्यवस्था है? इसमें 5 काउंटर बनाए गए हैं, एक पद के लिए मुखिया, दूसरे पद के लिए सरपंच और उसके बाद है आपको पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य चूँकि ज़्यादा संख्या में इसलिए उसको 2 काउंटर बनाए गए हैं। ARO रूप में एक ही है लेकिन वो 2 काउंटर बनाए ताकि लोगों को सुविधा हो जाए, सबके लिए अलग काउंटर बनाया गया है। ये बताइएगा जैसे कि कोरोना अभी चल ही रहा है, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी हैं, तो इस बीच में क्या क्या सावधानियाँ बरत रहे हैं? सावधानी के लिए देखिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना से लिए ऑनलाइन की भी व्यवस्था की गई है कि ताकि लोग कम से कम जो काउंटर पे आएँ। हम यहाँ के प्रखंड के तमाम वासियों से जो भी अभ्यर्थी उसे अपील करना चाहेंगे कि ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपना पूरा डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से मिलान कर लें, ताकि और उनको वो हार्ड कॉपी वो जिस जमा करेंगे वो हार्ड कॉपी याद है तो कोरोना गाइडलाइंस का भी अच्छा कार पालन हो जाएगा। और यहाँ जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको जो गाइडलाइंस सरकार द्वारा जो 30 सितंबर तक लागू है उसको लागू के तहत आना है। ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया अभी कितने दिनों तक चलने वाली है? ये 2 से लेकर 8 तक चलेगी, बीच में रविवार है, रविवार को दिन ये निबंध रहेगा, लेकिन 6-7 दिन वो चलेंगे। लेकिन अभी लगभग 1800 से 2000 जो है विभिन्न पदों के लिए बैनर जिसके माध्यम से हम लोग करते हैं वो लोग कट चुका है। लगभग 2000 से 2500 उम्मीदवार विभिन्न पदों पर आने की संभावना है। आज कितने लोगों का नामांकन है? नामांकन का ऐसा है जो भी व्यक्ति जिन्होंने AR कटा लिया है जो अपना फुल फॉर्म प्रपत्र 6 भर कर लाएंगे उनका हम लोग 11 से 4 तक हम लोग उसका नॉमिनेशन करेंगे। प्रत्याशी के साथ 2 व्यक्ति है, प्रत्याशी और प्लस प्रस्तावक, लेकिन हम तो अभ्यर्थी से ये करेंगे कोरोना गाइडलाइंस में सिर्फ आप केवल आएँ, चूँकि प्रस्तावक का अलग से घोषणा पत्र एफिडेविट शपथ पत्र है उसमें उसका नॉमिनेशन में उसका क्रमांक मतदाता क्रमांक सही होना चाहिए, वो लोग हम लोग कर लेंगे। धन्यवाद। काको प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोगों का आवागमन शुरू हो चुका है, तो इस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे कि क्या यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की है आम लोगों के लिए और जो उम्मीदवार हैं उनको उनके लिए। मेरा नाम आशुतोष किरण हुआ। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पंचायत तकनीकी सहायक, मैं यहाँ पर डिप्यूटेड हूँ काको प्रखंड में, और यहाँ पर BDO साहब के आदेशानुसार आम आदमियों को फिलहाल आज के दिन आने जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जिनका नामांकन से जुड़ा हुआ कोई भी मसला है तो वो आ जा सकते हैं और इसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। तो जो ये लोग जा रहे हैं ये लोग के कैंडिडेट हैं वही जा सकते हैं अंदर? हाँ, जो कैंडिडेट हैं उनके साथ एक प्रस्तावक का होना, जो प्रस्तावक है बस वही जा सकता है, आम आदमी नहीं जा सकता। हाँ, आम आदमी चूँकि आज अत्यंत भीड़ भाड़ है और BDO साहब का बायोलेटर पत्र निकला हुआ था जिसमें स्पष्ट निर्देश था कि आज नामांकन के दिन अत्यधिक भीड़ को नहीं रखना है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं आप लोग? सावधानियां में बस हम लोग यही देख रहे हैं कि जो नामांकन से जुड़े हुए लोग हैं वो जाएं, अपना जो उनका काम है वो अपना काम संपादित करें, बस इसमें ज़्यादा और कुछ तो है नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं काको ब्लॉक में किस तरह की व्यवस्था की गई है, हर किसी का अलग अलग काउंटर बनाया गया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सभी का अलग अलग काउंटर बना करके लोग व्यवस्थित ढंग से बैठे हुए हैं और पूरी तैयारी के साथ नामांकन की प्रक्रिया करने के लिए शुरू होने जा रही है। 11 से लेकर के 4 तक नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी। आज से यानी कि आज 2 सितंबर से लेकर के आपका 8 सितंबर तक ये नामांकन की प्रक्रिया है। और इस बीच काको प्रखंड के सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी मुखिया पद के दावेदार हैं, वार्ड पद के दावेदार हैं, सभी यहां आकर के नामांकन कराएंगे। और भी ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहे AZTV। धन्यवाद।